नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पंकज दुबे और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिसे सुनने के बाद आपका दिमाग एकदम शॉक हो जाएगा। जैसे ही आप शब्द सुनते हो रेप, तो आपके दिमाग में एक ही सवाल आता है कि अगर मुझे अवसर मिल जाएगा तो सामने वाले को मर्डर मैं खुद कर दूंगा। लेकिन दोस्तों, मामला यहाँ पे कुछ अलग है। यूपी की एक महिला ने एक आदमी के ऊपर ये एलिगेशन लगाया कि उसने पहले मेरे को किडनैप किया और बाद में उसने मेरा रेप किया, जिसकी वजह से उस इंसान को 1653 डेज के लिए क्या किया गया, जेल में डाल दिया गया। आप अज्यूम करो, किसी को बोलते हैं ना 1600 से अधिक दिनों के लिए जेल के अंदर रखा जाए तो उसके ऊपर क्या बीतेगी। बाद में जब ये बोलते हैं ना, मामले की पूरी छानबीन की गई और बाद में जब पता चला कि भाई ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था, जब लड़की को जब मानना पड़ा कि नहीं, ये जो मैंने जो एलिगेशन लगाए सब फॉल्स है, सब झूठे हैं, तो कोर्ट ने क्या किया, एकदम ऐसा बोलते हैं ना जजमेंट दिया कि दिल खुश हो गया भाई। कोर्ट ने बोला कि जितने दिन की वो लड़का जेल के अंदर था, जितने दिन के लिए वो लड़का जेल के अंदर था, उतने दिन के लिए तुमको भी जेल के अंदर जाना पड़ेगा और प्लस उस लड़के को 5.8 लाख रुपीज तुमको देना पड़ेगा, क्योंकि वो लड़का अगर बाहर होता तो लड़का कुछ तो कमाता, और अभी जेल के अंदर है तो क्या ही कमाएगा, तो तुमको उसको पैसा भी देना पड़ेगा प्लस जेल भी जाना पड़ेगा। चलिए पूरे मामले को समझते हैं अच्छे से। सपोज दैट ये है वो लड़का, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहूंगा। अब ये लड़का है, इसको मैं पकड़ लेता हूं, इसका नाम मैंने ले लिया ए। अब ये लड़का जो इस कंपनी में काम करता है, अब इस कंपनी में एक लड़की और काम करती है, इसका नाम मैंने ले लिया बी। ये कौन है? बी। अब ये ए और बी दोनों सेम इसी कंपनी में काम करते हैं। अब ए एक दिन पहुंच गया बी के साथ बी के घर पे। अब ये बी की कौन है? बहन, सिस्टर, उसका नाम मैंने क्या ले लिया? सी। मैं पूरे केस को बोलते हैं ना डायग्राम के बाद समझा रहा हूं आपको। तो मैंने आपको पहले क्या बोला कि ए और बी दोनों क्या थे, इसी कंपनी में काम करते थे, और बी की जो बहन थी वो कौन थी, अब समझ लीजिए उसे क्या, सी। तो जैसे ही बोलते हैं ना ए, इन दोनों की मुलाकात हुई, जैसे ही ए क्या हुआ बी के घर पे आया, तो ए और सी की मुलाकात होने लगी, मतलब ये दोनों आपस में बातचीत करने लगे। जैसा इनके ऊपर बोलते हैं ना जो एलिगेशन लगाया गया, मैं उसको आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इन दोनों के बीच में बातचीत चालू होने लगी, और जो सी की एज थी वो 15 साल की। बाद में दोनों के बीच में दोस्ती हो गई, ये घर पे आना जाना चालू हो गया। बाद में कुछ दिनों के बाद, ये मामला है 2019 का, ये मामला कभी का दोस्तों, 2019 का। अब बाद में क्या हुआ कि जो सी की माँ है वो कहाँ पहुंच गई, पुलिस के पास में, और उन्होंने एक बोलते हैं ना एक रिपोर्ट दर्ज करवाई। उस रिपोर्ट में इन्होंने क्या लिखवाया कि जो ए है इसने क्या किया, मेरे बेटी को क्या दिया, ड्रग दिया, नशीला पदार्थ दिया, खिलाया प्रसाद के अंदर, और उसको जबरदस्ती लेकर के गया दिल्ली में, एक रूम के अंदर बंद कर दिया और उसके साथ में रेप किया। ये चार्जेस लगाए गए किसके ऊपर, ए के ऊपर। अब उसकी वजह से क्या हो गया, ए को कहां पे भेज दिया गया भैया, जेल में 4 साल के लिए, 4 साल 6 महीना 8 दिनों तक भाई साहब ये जेल के अंदर रहे। अब ये कहानी तो पूरी चलो खत्म हो गई, लेकिन जब ये ट्रायल चला तो बाद में जब वकीलों ने और जज साहब ने बोलते हैं घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछना शुरू कर दिया, तो इनका दिमाग तो बोलते हैं ना ऊपर नीचे हो गया, और इनके मुंह से निकल गया भैया, इनको मानना पड़ा कि जो भी मैंने बोलते हैं एलिगेशन लगाए थे सब झूठे थे। तो उसकी वजह से कोर्ट को बोलते हैं ना माहौल ही अलग बन गया, और जज साहब ने बोला कि भैया अब तो तुमको बोलते हैं ना जेल जाना पड़ेगा। तो इन्होंने बोला कि भाई कोई मेरी किडनेपिंग, कोई रेप मेरा नहीं हुआ था। तो कोर्ट ने फैसला लिया कि भैया अब तुमको क्या करना पड़ेगा, सेम डेज के लिए तुमको जेल में जाना पड़ेगा और उस लड़के को 5.8 लाख रुपीज आपको देना पड़ेगा।